अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। यह दोस्तों सैटरडे का दिन और सैटरडे और संडे मोमिना का ऑफ होता है, तो मोमिना भी लॉन में खेल रही थी, इंजॉय कर रही है। और क्योंकि फ़िज़ा के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो फ़िज़ा की भी आज ऑफ था, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और मैं बाहर ही ले आई क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। चाय, पराठा और अचार हमारा फेवरेट नाश्ता होता है, बहुत मज़ा आता है गरम गरम पराठा के साथ गरम गरम चाय। और इसी दौरान में हमारा कार्गो का सामान अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान हमारा पहुँच गया। और बस ये यहाँ पर हमज़ा जो है सामान को खोल रहा है। और दोस्तों मेरा सामान जो है वो आना था 45 डेज़ में, लेकिन आते आते सामान को लग गए हैं जी 2.5 मंथ्स। और मुझे तो अब लगने लग गया था कि शायद आएगा ही नहीं, मैंने तो इन्ना लिल्ला भी पढ़ना शुरू कर दिया था कि लगता है कि अब सामान नहीं आएगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज करिए, उन्हें फ़ोन किया बार बार कि कहाँ हमारा सामान भेज दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान हमारा पहुँच गया। हमारा थोड़ा सा सामान जो है वो ख़राब हुआ है, ज़्यादा सामान जो है वो सही आ गया है। और बस हमें घर की सेटिंग करने में भी हफ्ता 10 दिन तो लग ही गए, छोटा छोटा सामान खोलना, सेट करना। फिर बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत साथ दिया, कॉलेज से आने के बाद बच्चे पूरा टाइम मुझे देते थे और मेरे साथ पूरा काम करवाते थे, डेकोरेशंस वगैरह सेट करवाने में और बाकी भी सब सब चीज़ें समेटने में बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की। और दोस्तों बस ज़्यादा चीज़ें तो मेरी सही ही आई हैं, बस मेरी LED जो है वो टूट गई है, वो बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहरहाल फिर भी 100 में से 10% ही हमारा जो है वो नुकसान हुआ है, ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सही पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी दूर से सामान जब आता है तो फिर कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। और ये देखिए यहाँ पर ओवन जो है ये भी मैं साफ़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, लेकिन ये मैं दिखाती हूँ आपको ये, क्योंकि आखिरी दिन तक हम इसे यूज़ कर रहे थे तो इसलिए ये ऐसे ही फिर पैक कर दिया था, इसे वहाँ साफ़ नहीं किया था। तो मैं दोस्तों इसे जिफ़ से साफ़ कर लेती हूँ, जिफ़ बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत ही चीज़ें नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। ये सऊदीया में तो बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतना ईज़िली नहीं मिलता है। और ये अभी जो मेरे पास वहीं का है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मोमिना जो है ये भी मेरे साथ पूरे काम करवाती है, इसे बहुत ही शौक है मेरी हेल्प करने का। और ये देखिए यहाँ पर ये कितना ख़राब हो गया है ना, इसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी और अभी तो ये पूरा पिचक गया था। हमज़ा ने इसे ओपन किया और इसे काफ़ी हद तक इसे सही कर लिया है, काबिल इस्तेमाल बना दिया है इसे। और दोस्तों ये बाहर से तो काफ़ी ख़राब हो गया, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने चला के भी देखा है तो बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी प्लेट और स्टैंड जो है ये तो मैं अपने साथ ही ले आई थी जब मैं आई थी, तो और बस ये है कि अब नीट हो गया है। इस अंदर से तो दोस्तों मैं इसे जिफ से साफ़ नहीं करती हूँ, अंदर से तो लेमन और गर्म पानी इसके अंदर रख देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा मज़े से साफ़ हो जाता है ये। और बस ये साफ़ हो गया है और इसे हम यूज़ कर लेंगे। और बस दोस्तों इसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, किचन में मैंने बनाने थे आज चिकन फ्लेटर्स, और चिकन फ्लेटर्स के लिए मैंने 1.5 kg चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, प्याज लिए 1/2 kg और हरी मिर्चें ली हैं। और दोस्तों इन सब चीज़ों को मैं 1 by 1 चॉप कर लूँगी, पहले मैंने चिकन को चॉप कर लिया है, उसके बाद मैं प्याज चॉप कर लूँगी, और प्याज को मैंने निकाल लिया है चॉप करके, और उसके बाद अब मैं करूँगी हरी मिर्चें चॉप। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, मैंने वैसे 200 ग्राम से थोड़ी कम ही ली हैं क्योंकि मेरे घर में सास ससुर हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। और उसके बाद मैंने ये धरा धनिया लिया है, इसे भी चॉप कर लिया है, और प्याज का जो पानी है वो मैंने निचोड़ लिया, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ा क्योंकि अगर पानी इसमें रहता है तो कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और उसके बाद ये मल्टी यूज़ मसाला है, 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून नमक है और 1.5 टेबल स्पून रेड चिली है, और इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल दूंगी। और मल्टी यूज मसाला जो है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत मज़े का होता है। और उसके बाद ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून कड़ी पाउडर, कड़ी पाउडर का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और बस इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और इसे एक बाउल में शिफ्ट किया, और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया 5 से 6 घंटे के लिए, इससे ये इसकी जो मैरिनेशन है बहुत अच्छी हो जाती है।
और इसमें टेस्ट भी बहुत डेवलप हो जाता है। और इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है दोस्तों। ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं ये कबाब टाइप बनाकर, ये जैसे हम चपली कबाब बनाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। बस इसका जो मेज़ा होता है ना थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो बस थोड़ा एहतियात से बनाना होता है, अदरवाइज़ ये जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ये इसे टूटने नहीं देता, इससे ये बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे दोस्तों। बच्चों ने बहुत पसंद किए, देवरानियों जिठानियों के बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा पसंद किए, बल्कि एक बार मैं दोबारा भी उन्हें बनाकर बच्चों को खिला चुकी हूँ। और ये देखिए, जब एक साइड इनकी ब्राउन हो गई तो मैंने इसे पलट लिया और दूसरी साइड ब्राउन कर लूँगी। बहुत मज़े के बने थे दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ हैं यूट्यूब पर, दो सब दोस्त हैं, दो बहनें मेरी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, सबकी वीडियोस मैं देखती हूँ, बहुत ही अच्छी कुकिंग हो रही होती हैं माशाल्लाह से। और बस इसे मैंने डिश आउट कर लिया, इसे ग्रीन रायता और केचप के साथ मैंने सर्व किया। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा रखा करें। याद फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।